चौबीस तरफ से स्पेशल लैपटॉप्स आज में चार आज हम हो गए रेडी। सारे हाथ मैंने गर्म कर, आज हर उंगली के लिए अलग लैपटॉप होगा मेरे दोस्त। जीडे 5 आज अनबॉक्सिंग अलग से करेंगे। आगे भाई लेट्स गो। हमारे पास आ चुके हैं भाई चार चमकते लैपटॉप। भाई इसमें गेस करने की कोशिश करो कौन सा सबसे सस्ता है। ये सबसे बड़ा वाला सबसे सस्ता है। एक्चुअली इसमें भी बाकी तीनों की मेटल बिल्ड है, इसमें एक प्लास्टिक बिल्ड है, बट चारों ही लैपटॉप्स काफी तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मिड रेंज वाले हैं भाई, इंटेल के प्रोसेसर लेके आ रहे हैं, i5 i7। Xiaomi जिन लोगों को पता नहीं है, पहले ना Xiaomi के 50,000 के ऊपर की रेंज आती थी होराइजन वाले लैपटॉप, और जितने भी थे सारे अच्छे वैल्यू लैपटॉप्स होते थे और हमने भी चलाया था। और 50,000 के नीचे भाई इन्होंने अपनी रेडमी वाली सीरीज निकाली, ऐसे गेमर वेमर वाली वाइब ने, थोड़ा सा प्रोफेशनल ऐसे स्टूडेंट वर्किंग लैपटॉप कॉलेज वाले लेके जाना उसके लिए बढ़िया लैपटॉप। इंडिया की लैपटॉप मार्केट में काफी सारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। पहले जो लैपटॉप तो एवरेज से होते थे भाई, स्क्रीन में अच्छी नहीं है, ऐसी दिक्कत हो रही है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं। अब काफी मजेदार लैपटॉप्स आते हैं। सबसे पहले ये है Redmi Book 15 Pro। अलग सा लग रहा है, ब्लैक कलर का, यहाँ पे लिखा है Redmi पावर योर क्रिएटिविटी, Intel Iris Xe। भाई Xe वाली ग्राफिक्स है। ये लैपटॉप जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है उसके हिसाब से i5 बहुत तगड़ा। 11th जन H सीरीज। Xiaomi के जितने भी नए वाले लैपटॉप है सब में आपको इंटेल के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। इंटेल के प्रोसेसर सही रहते हैं क्योंकि काफी एक अच्छा सा ब्रांड है, काफी रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, और काफी टाइम से आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सबको गेमिंग में उड़ी चल रही है, बट हम तो टेस्ट करके माने। प्रोसेसर में भी आपको चॉइसेस मिलते हैं, देखो पीछे भी PH जो होता है भाई गेमिंग, और ये जो U वाला होता है थिन एंड लाइट लैपटॉप्स, पी वाला जो है हेवी एप्लीकेशन चलाने वाला। ये तीन टाइप के प्रोसेसर होते हैं इसके अंदर। एच जो इंटेल की एच सीरीज है ये सबसे ज्यादा पावरफुल सीरीज है इंटेल की लाइन की। ये पूरी प्लास्टिक की, टॉप भी प्लास्टिक है, बैक साइड में पूरा प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। पकड़ने में एक स्टर्डी सा स्टैंडर्ड सा लैपटॉप लग रहा है। हिंज में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, कीबोर्ड में तक दिना दिन आगा करके देखा बढ़िया चल रहा है। इसमें आपको 8GB रैम 8 दबा दे और 512GB SSD देखने के लिए मिल जाती है, और प्लस i5 के साथ भाई परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी बढ़िया रहती है। बट ऑफ कोर्स भाई इस प्राइस पॉइंट पे i5 अगर देना है और इतनी हाई स्पेसिफिकेशन देनी है तो भाई कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसकी आपको बॉडी प्लास्टिक की मिल जाती है, इसमें एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है भाई, मेरे ख्याल से व्यूइंग एंगल थोड़े से बेटर हो सकते थे, बट क्योंकि परफॉर्मेंस तगड़ी है तो इसलिए मतलब ठीक है। पोर्ट्स की भाई कोई कमी नहीं, लेफ्ट साइड पे भी पोर्ट्स हैं, राइट साइड पे भी पोर्ट्स हैं, मेमोरी कार्ड भी है, हेडफोन जैक भी, ईथरनेट सब कुछ, स्पीकर भी बजा के देख लेंगे भाई। स्पीकर ना नीचे की साइड लगा रखे यहाँ तो, ये और ये। इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप के साथ भाई आवाज तेज है, स्पीकर ऊपर की साइड होता है और मजा आता है, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, जॉब वॉब पे भाई वीडियो कॉल करनी है तो इस पे स्पीकर पे करी जा सकती है, बट इस प्राइस पॉइंट में जो i5 प्रोसेसर आ रहा है वो इससे तगड़ा नहीं मिल पाया भाई। इस वाले लैपटॉप का प्राइस 40,000 रुपए है, और 40,000 रुपए में i5 प्लस 512GB SSD और ये सारी चीजें देख पाना भाई डेफिनेटली काफी तगड़ी बात है। अगर आपको इस टाइप का डिस्प्ले चल जाएगा तो भाई ये डेफिनेटली काफी तगड़ा लैपटॉप होगा आपके लिए। नेक्स्ट वाला लैपटॉप है भाई Xiaomi का MI नोटबुक प्रो। ये जितने भी लैपटॉप्स हैं थोड़ा आपको मतलब देखे देखे से तो लगेंगे। इसमें अच्छा खासा पूरा एक मेटल एल्यूमिनियम वाला फ्रेम है और भाई बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ पे भी ऐसे खोलोगे हिंज और जो डिस्प्ले का पूरा फ्रेम है वो थोड़ा सा प्लास्टिक में है, बट भाई पूरा एक काफी स्टर्डी सा लैपटॉप लग रहा है। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, इसी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी, और हाथ में पकड़ना बढ़िया लगा। एक चीज मेरे को काफी प्यारी लगी वो है इसका डिस्प्ले। इसमें 2.5K QHD प्लस पैनल ऐड कर रखा है भाई। व्यूइंग एंगल्स देखो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ से भाई प्यारा सा काफी कंफर्टेबल अच्छा सा डिस्प्ले लग रहा है। मजा आ रहा है भाई यूज करने में। पहले लैपटॉप में हमको तो i7 वाला वेरियंट है, यूजुअली आपको i5 वाला वेरियंट देखने मिलता है। लैपटॉप का वेट आया था 1.4 kg, HDMI का, USB-C का भी है, और यहाँ पे एक थंडरबोल्ट पोर्ट भी दे रखा है, वो एक अच्छी चीज लगी मेरे को। नीचे देखो यहाँ पे भी ऐसे गिट्टे विट्टे जो होते हैं ना वो ऐसे लगा रखे। लाइट गेमिंग अगर करनी हो तो भाई चल जाएगा। इसका पुराना वाला वर्जन था उसका हमने रिव्यू करा था, बट इस वाले में काफी सारे अपग्रेड्स रखे हैं। फ्रंट पे भाई यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, इसके अंदर आपको 16GB रैम 512GB की SSD मिल जाती है, बढ़िया भाई परफॉर्मेंस आती है, मजा आता है, और कनेक्टिविटी में भाई Wi-Fi 6 भी मिल जाता है। 5 से 6 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है बढ़िया। इस साइज के लैपटॉप के लिए अच्छा बोलूंगा मैं, 50% तक चार्ज होता है 34 मिनट में भाई टाइप सी वाले चार्जर से अगर चार्ज करते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो आप बेसिक एडिटिंग करता है और अपना हल्का फुल्का गेम वेम चलाता रहता है तो उसके लिए भाई डेफिनेटली एक तगड़ा लैपटॉप होगा। बड़ा भाई लाइफ में अपग्रेड करने का टाइम आ गया। मी नोटबुक अल्ट्रा, इसमें एक 3.2K 15.6 इंच की स्क्रीन डाल रखी है, उसके साथ साथ भाई इसमें एक 90Hz का रिफ्रेश रेट भी डाल रखा है, भाई बढ़िया चलता है। इसमें जैसे देख सकते हो भाई 3.2K में काफी शार्प जो पिक्सल्स हैं और जो कलर्स हैं वो काफी प्यार से लग रहे हैं। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई सही लग रहा है, कैमरा भी बढ़िया लग रहा है। एक बार फोटो भी खींच के देखेंगे, सेल्फी खेलेंगे, आप भी देखो अपने आपको, फोटो को डिसेंट बोल सकते हो, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करोगे उस टाइप की फोटो आपको मिल जाएंगे, वीडियो कॉल वॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट भाई एक चीज इसमें डिसेंट नहीं है वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसमें इंटेल का i7 11th जन ऐड कर रखा, उसके साथ 16GB रैम और 512GB SSD, इंटेल के XE ग्राफिक्स ऐड कर रखे। जिन लोगों को पता नहीं भाई इंटेल के XE जो ग्राफिक्स हैं एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही रहता, बट इसमें भाई परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आती है। इस रेजोल्यूशन में इस रिफ्रेश रेट के साथ कोई भी और लैपटॉप नहीं आता। हमने जो गेम्स खेली, जो डिस्प्ले
मैं भाई वीडियो वीडियो देखी उन सब में एक्चुअल भाई मजा आ रहा था भाई, गेम खेलने में अलग से दिख रहा था। इसमें भी सिमिलर बिल्ड देखने में मिलती है, वही मेटल फ्रेम है, काफी सॉलिड सा फील होता है और यहाँ पे अपने छोटे छोटे गिट्टे लगा रखे हैं। डेली टास्क वाज आप भी जितने करोगे लैपटॉप ज्यादा ओवरहीट नहीं करता। और हमने भाई पूरा पुश करके देखा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेम चला के देखी, अपनी जांघों के ऊपर रख के भी हमने चलाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आ जाते हैं भाई इसके भी बड़े भाई के ऊपर, ये वाला 15.6 इंचेस का था, ये है हमारा 14 इंचेस का Xiaomi Notebook Pro 120G। इस वाले लैपटॉप के अंदर इस साल का लेटेस्ट प्रोसेसर है i5 12th जनरेशन, और इसकी बिल्ड मेरे को थोड़ी और रिफाइन लगी। इसमें भी पूरा एक मेटल फ्रेम है भाई, पकड़ने में बिल्कुल एक सॉलिड ब्रिक जैसा लगता है। नीचे की साइड पे यहाँ पे हवा पास होने की जगह है और यहाँ पे पूरा ही एक रबराइज बैंड सा आपको देखने मिलता है। इसमें एक 2.5 की 120 हर्ट्ज का पैनल है, और जैसे कि देख सकते हो भाई डिस्प्ले पे भाई सारी रंगीनियां बढ़िया चल रही है भाई। हमने 4K में चला दिया वीडियो, और जो ग्राफिक्स है, जो कलर्स कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें काफी प्यारी से लग रही है, घास फूस अपनी बढ़िया सी चल रही है। इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको LPDDR5 RAM देखने मिलती है, 512GB Gen 4 SSD है। लेफ्ट साइड में एक थंडरबोल्ट पोर्ट भी दे रखा है, HDMI और हेडफोन जैक भी। राइट साइड में भाई USB टाइप सी और USB पोर्ट दे रखा है। 12th Gen प्रोसेसर भाई मल्टीटास्किंग में डेफिनेटली काफी आगे हैं, और इसमें एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिलता है जिसमें 4 एफिशिएंसी वाले कोर और 4 परफॉर्मेंस वाले कोर भी आपको देखने मिल जाते हैं। एक दो चीजें और काफी ज्यादा स्पेशल है, इंटेल के प्रोसेसर्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। इसमें एक थ्रेड डायरेक्टर है, ये वाला ना रियल टाइम में फीडबैक देता है और टास्क वास्क असाइन करने में काफी, अगर भारी काम है तो पी कोर को दे दिया, थोड़ा हल्का हल्का काम मतलब ऐसे कम में हो जाएगा तो ई कोर को दे दिया, तो इससे बैटरी भी सही रहती है और अपनी परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी आती है। गेम चलाओ तो भाई बढ़िया चलती है, चला भी लेते हैं हम। लेट्स भाई हमने गेम चला लिए, इस पे जैसे देख सकते हो भाई काफी मतलब एक कांस्टेंट 30 FPS के अराउंड आ रही है, और मतलब जो ग्राफिक्स अपिक्स हैं वो भी काफी बढ़िया से लग रहे हैं। मैं मार रहा हूं, ज्यादा लैग वैग नहीं आ रहा, कोई भी डिले या फिर कोई भी परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं फील हो रही। अब हम खेल लेते हैं भाई मी नोटबुक प्रो के ऊपर। इसमें जैसे देख सकते हो भाई गेम में बढ़िया चल रहा है, जो ग्राफिक्स हैं और इसमें FPS एक्चुअल आपको भाई 38 से 40 FPS के अराउंड देखने में मिल जाता है। और जो टॉप वाला मॉडल है जिसमें एक डेडिकेटेड NVIDIA ग्राफिक कार्ड है, उसमें आपको 45 FPS के भी ऊपर देखने में मिल जाता है भाई, काफी स्मूथ सा लग रहा है, मजा तो आया। तो ओवरऑल 19% का परफॉर्मेंस में आपको एक बूस्ट देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर भाई NVIDIA का एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी आपको देखने में मिल जाता है MX550। इस वाले लैपटॉप के साथ एक 100 वॉट का चार्जर भी आपको साथ मिलता है, Wi-Fi 6 भी है इसमें, थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी है, 60, 90, 120 हर्ट्ज का भी ऑप्शन आपको देखने में मिल जाता है। पूरी जो बिल्ड है इसकी सीरीज 6 एल्यूमिनियम वाली बिल्ड है, और बैटरी 35 मिनट के अंदर 50% तक चार्ज होती है और अच्छी चल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन सारे लैपटॉप्स में आपको विंडोज 11 देखने के लिए मिल जाता है, और MS ऑफिस भी भाई सबके अंदर ऐड कर रखा है। हमने इन सब पे क्रिस्टल डिस्क मार्क वाले काफी सारे बेंचमार्क्स रन करके देखे, उनके स्कोर्स आप भाई स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस वाले लैपटॉप की प्राइस काफी अच्छी है, बट इस वाले टाइम पे मतलब दिवाली के टाइम पे एक्चुअल काफी सारे डिस्काउंट्स आ रहे हैं, तो इस टाइम पे अगर आपको लेना है तो भाई डेफिनेटली एक अच्छा लैपटॉप होगा। सारे लैपटॉप्स में इंटेल के प्रोसेसर्स लग रखे हैं, i5 है, i7 है, और सब में ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाती है, और किसी में भी हमको हीटिंग के ज्यादा इश्यूज नहीं देखने में। इनमें से कोई भी लैपटॉप भाई कॉलेज के लिए अपना स्कूल वूल के लिए आपको लेना, स्कूल में तो ले जाने देते, अरे बट अब तो सभी स्कूल घर पे ही हो रहा है यार। और एक और चीज है घर पे, वो है नीचे टैग बना सब्सक्राइबर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।